गुड मॉर्निंग बच्चों, आज है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे एंड व्हेन कब, क्या कहाँ कैसे और कब। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे आफ्टर ऑल व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है। सो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पास्ट इंसिडेंट। हिस्ट्री स्टोरी होती है ऐसे इंसिडेंट्स की जो कि पास्ट में हुए होते हैं, यानी हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है। सो दिस चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम राशिदास क्वेश्चन। ये चैप्टर जो होता है वो राशिदा के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आई फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। राशिदा एक जगह पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अचानक से उसकी आई एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती है, 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। हाउ सी फेल वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। कैसे कोई ये जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ था ये हम कैसे जानेंगे। यू कुड लिसन टू द रेडियो, हम रेडियो सुन लेंगे। वॉच टेलीविजन, टेलीविजन देख लेंगे। एंड रीड अ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा आफ्टर ऑल व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या हुआ था। आस्क समबॉडी हु रिमेंबर्स, किसी ऐसे इंसान से पूछ लेंगे कि जिसे लास्ट ईयर के बारे में पता हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग, लॉन्ग एगो, लेकिन सालों पहले क्या हुआ था। Let us see how it can be done. देखते हैं कि ये कैसे पता करेंगे। What can we know about the past? हमें past से क्या पता चलता है या हम past से क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। What people ate? लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore? कैसे कपड़े पहनते थे। The houses in which they lived? और किन घरों में वो रहते थे। We can find out about the life of hunter, herder, farmer, ruler, merchant, priest, craft person, artist, musician and scientist. हम ऐसे लोगों की जिंदगियों के बारे में भी जानेंगे जो कि पास्ट में थे, जैसे hunter, herder, farmer, ruler, merchant, etc. We can also find out about the games children play. हम ये भी जानेंगे कि लोग कैसे गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हर्ड, कैसी स्टोरी सुनते थे। द प्ले दे सॉ, कैसे गेम को देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, और कैसे गाने को गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, आफ्टर ऑल पीपल रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन, आपको यहाँ पर मैप दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे, जिसमें आपको मैप में नर्मदा रिवर को फाइंड करना है। सो पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर अगो। पीपल इसी नदी यानी नर्मदा नदी के किनारे ही हजारों साल पहले रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि स्किल्ड गैदर थे। स्किल्ड गैदर मतलब कि उनको चीज़ों को इकट्ठा करना आता था, अपने फूड को इकट्ठा करना आता था। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वो अपने फूड को इकट्ठा करके स्टोर कर लेते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, वो अपने आसपास के प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे कि कौन से प्लांट्स यूजफुल होते हैं, कौन से प्लांट्स यूजफुल नहीं होते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और वो लोग क्या करते थे, उन्हें अच्छी नॉलेज थी, इसकी वजह से वो लोग प्लांट्स के रूट, फ्रूट और अदर प्रोड्यूस को भी कलेक्ट कर लेते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, अब हमें नॉर्थ वेस्ट के सुलेमान और किरथार हिल्स को फाइंड करना है इसी मैप में। सम ऑफ द एरिया वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर। सुलेमान और किरथार वो एरिया है जहाँ पर 8,000 ईयर्स अगो मैंस और वीमेंस ने क्या किया था, वीट और बार्ले को ग्रो करना शुरू किया था, यानी वीट और बार्ले की खेती करनी स्टार्ट की थी। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, यहाँ पर लोग क्या थे, एनिमल्स को रियर करना यानी एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। इसमें कौन कौन से एनिमल्स थे, सीप, गोट और कैटल, और यहाँ पर लोग गाँव में भी रहना स्टार्ट कर दिए थे।
लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या हिल्स इन द सेंट्रल। आपको यहाँ पर गारो हिल्स को भी बताना है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है एंड विंध्या हिल्स को भी बताना है जो कि सेंट्रल इंडिया में है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ अदर एरिया हैं जहाँ पर, ये कुछ अदर एरिया हैं जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या, और विंध्या वो एरिया है जहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो किया गया था, यानी यहीं से हमें राइस के बारे में पता चलता है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, हमें इंडस रिवर को भी बताना है उसी मैप पे और उसके ट्रिब्यूटरी को भी बताना है। ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर्स। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी नदियाँ होती है जो कि एक बड़ी नदी पे जाकर मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लॉरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, और इंडस वो रिवर है जहाँ पर 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था, छोटी छोटी सिटीज़ ने क्या किया था, फ्लॉरेस्ट होना स्टार्ट कर दिया था, यानी छोटी छोटी सिटीज़ का विकास होना शुरू हो गया था। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और इसके बाद 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ, गंगा रिवर के किनारे भी छोटी छोटी सिटीज़ ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, सोन नदी है। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी को हम क्या कहते हैं, सोन रिवर। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग द रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। एंशियंट टाइम पर जो गंगा रिवर के किनारे एक एरिया था उन्हें साउथ का, उन्हें हम क्या बोलते थे, मगध बोलते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, और आज मगध कहाँ पर है, बिहार जिले, सॉरी बिहार स्टेट में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, और यहाँ का राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, यानी यहाँ का शासक बहुत पावरफुल था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, इसके साथ साथ मगध के साथ साथ और भी ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ मगध नहीं नहीं बल्कि और भी स्टेट ऐसे थे जहाँ पर किंगडम्स स्थापित होना स्टार्ट हो गए थे, यानी छोटे छोटे किंगडम्स बनना शुरू हो गए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू द अनदर पार्ट। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, आपको गंगा रिवर को और उसकी सोन नदी को मैप में लोकेट करना है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। एंशियंट टाइम पर गंगा के साउथ हिस्से का जो एरिया था उसे हम मगध के नाम से जानते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, और आज ये बिहार स्टेट में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, और यहाँ का राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करके रखा था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, सिर्फ मगध ही नहीं बल्कि और भी अदर पार्ट्स थे कंट्री के जहाँ पर किंगडम्स सेटअप होना स्टार्ट हो गए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू अनदर, यद्यपि लोगों ने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाना स्टार्ट कर दिया था। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज डेजर्ट्स रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट दैट टाइम, उस वक्त की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, हिमालयाज था, डेजर्ट्स था, रिवर एंड सीज, और रिवर और सीज जो थी उन्होंने क्या किया था, जर्नी को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बना दिया था, उस वक्त की यात्रा को बहुत ज़्यादा डेंजरस कर दिया था। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं किया था। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इसकी वजह से जो लोग थे, मैन और वुमेन्स थे, वो लोग अपने लाइवलीहुड को सर्च करने के लिए जाया करते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट, और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड, बाढ़ और ड्रॉट, सूखा पड़ने पे भी वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्वायरिंग अदर लैंड, कभी कभी जो मेंस थे वो लोग आर्मी के साथ जाया करते थे दूसरी जमीन को जीतने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कारवांस और सिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो वहाँ के मर्चेंट्स थे वो लोग अपनी कीमती चीज़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह सिप और कारवांस में जाया करते थे ताकि वो एक जगह उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकें, बेच सकें। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो लोग अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार के लिए भी
विलेज टू विलेज और टाउन टू टाउन जाया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइविंग बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नए नए प्लेसेस की खोज में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इन सारी चीज़ों ने क्या किया, आइडिया शेयर करने में मदद की। यानी जब लोग यहाँ वहाँ पर गए और एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे के बारे में उन्होंने और भी अच्छे से जाना। इससे क्या हुआ, एक लोगों के बारे में दूसरे को पता चला और दूसरे के बारे में दूसरे को पता चला। Why do people travel nowadays? आज लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? तो सबके पास अपने अपने रीजन्स हैं कि कोई क्यों ट्रैवल करता है। किसी को ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, किसी को एक घूमना पसंद है, तो किसी के फादर का ट्रांसफ़र होता है, तो किसी के कोई रीजन्स है, मतलब सबका अपना अपना एक रीजन है। लुक एट मैप वन वंस मोर। आपको एक बार मैप वन को फिर से देखना है। हिल्स माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। हिल माउंटेन और जो सी है वो क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट की नेचुरल फ्रंटियर्स है। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स दोज हु वॉन्टेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। कह रहा कि ये जो फ्रंटियर्स हैं उनको क्रॉस करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जिन्होंने चाहा उन्होंने क्या किया, उसे क्रॉस कर लिया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो कम इन टू द कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। यहाँ तक कि लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी आए और वहाँ पर सेटल्ड हो गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। लोगों के इस मूव ने यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण ने क्या किया, उन्होंने हमारे कल्चरल को और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेजेज ऑफ carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. लोगों ने क्या किया, अपने आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर किया कि कैसे स्टोन को और अच्छे से carving की जा सकती है, म्यूज़िक कैसे बनाए जा सकते हैं और कैसे अच्छी अच्छी कुकिंग की जा सकती हैं। नेम ऑफ द लैंड, अब देखो हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ एंड यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए दो नामों का यूज करते हैं, पहला तो इंडिया और दूसरा भारत। The word India comes from the Indus. India word जो है वो Indus River से आया हुआ है, called सिंधु in संस्कृत, और Indus को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। Find Iran and Greece in your atlas. अब आपको क्या करना है, atlas में ईरान और ग्रीस को find करना है। The Iranian and Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus. ईरानियन और ग्रीक्स ऐसे लोग थे जो कि 2500 ईयर्स अगो नॉर्थ वेस्ट से आए थे और हमारे इंडस रिवर से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे, यानी पारिवारिक जैसे लगते थे। कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज। उन्होंने ही क्या किया, हमारे इंडस रिवर को हिंदोज और इंदोज बोलना स्टार्ट किया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और इंडिया नाम एक पूरा एरिया था, एक लैंड थी ईस्ट पार्ट में, उसे उन्होंने इंडिया नाम दिया। द नेम भारत वॉज यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंसन्ड इन द ऋग्वेदा। अब भारत नाम कहाँ से पड़ा, तो भारत नाम नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों ने दिया था, एंड हु आर मैंसन्ड इन द ऋग्वेदा, और इसके बारे में हमें ऋग्वेदा से पता चलता है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। ऋग्वेदा है क्या, ऋग्वेदा संस्कृत का सबसे पहला कंपोजिशन है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। यानी 3500 ईयर्स अगो ऋग्वेदा के बारे में हमें पता चलता है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में ये पूरे कंट्री के लिए यूज होने लगा। यानी इंडिया और भारत बाद में पूरे कंट्री के लिए यूज हुआ है। सबसे पहले दो अलग अलग जगह थी जिन्हें हम इंडिया कहते थे और एक जगह को भारत बोलते थे, बाद में पूरे एरिया को उन्होंने इंडिया और भारत कर दिया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। कह रहा कि अब हमें पास्ट के बारे में बताना है, तो हमें पास्ट के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पता चलती हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। हमें कैसे पता चलेगा, पहला हम पास्ट में लिखी बुक्स को पढ़कर पता कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट, और हम इन बुक्स को क्या कहते हैं, मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्यों, क्योंकि ये हैंड से लिखी हुई हैं। मैनु का मतलब होता है हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। ये जो वर्ड है मैनू वो लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बिर्च। ये जो लिखी गई है वो कहाँ पर लिखी गई है,
पाम लीफ में लिखी गई है, और ये एक बहुत ही स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती है, यानी छाल होती है पेड़ की, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिर्च बोलते हैं, जो कि हिमालयाज में पाई जाती है। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी हैं जिन्हें कीड़े खा गए हैं, सम वर डिस्ट्रॉयड और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, कुछ ऐसी भी हैं जो कि अभी बची हुई हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, वो कहाँ पे मिलती हैं हमें, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल पे मिलती हैं। मोनेस्ट्री मतलब मठ, टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर और मठों पे मिलती हैं। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और इस बुक में हर तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, लोग अपने रिलीजियस में क्या करते थे, मतलब कैसे कैसे रिचुअल्स को फॉलो करते थे, कैसे कैसे उनकी बिलीफ थी, कैसी प्रैक्टिस थी, कैसा मानना था। द लाइफ ऑफ किंग्स, राजा की लाइफ कैसी थी। मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स पोयम प्लेस, मैनी ऑफ देम वर रिटन इन संस्कृत, यहाँ तक कि उनमें बहुत सारे एपिक्स लिखे हुए हैं, काव्य लिखे हुए हैं, पोएम्स लिखी हुई हैं, और प्लेस ड्रामा भी लिखे हुए हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, कुछ इसमें से संस्कृत में लिखे हुए हैं, अदर वर रिटन इन प्राकृतिक, कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, एंड कुछ तमिल में लिखे हुए हैं। अब देखिए प्राकृतिक लैंग्वेज क्या होती है, प्राकृतिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि आम लोगों के द्वारा बोली जाती है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम इंस्क्रिप्शन से भी ये जान सकते हैं कि पास्ट में क्या होता था। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल्स, ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो एक हार्ड सर्फेस होता है जिसमें हम लिखा जाता है, ताकि वो ईजिली इरेज ना हो सके और लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कभी कभी राजा क्या करते थे, आदेश करते थे कि inscriptions किया जाए, inscribed किया जाए, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनकी आज्ञा का पालन कर सके। There are other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did. कुछ अदर inscriptions भी हैं जहाँ पर men's और women's, राजा और रानियों ने क्या किया है, अपनी चीज़ों को लिखवाया हुआ है। For example, kings often kept records of victories in battles. Kings ने क्या किया है, kings ने अपनी victory में हुए records को भी लिखवाया हुआ है। कुछ अशोका के inscriptions मिले हैं। Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? कह रहा कि क्या आप बता सकते हैं कि हार्ड सरफेस में लिखने की क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। तो हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हार्ड सरफेस में अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे तो वो ईजिली इरेज नहीं हो सकती, काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, लोग उसे देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ओबे कर सकते हैं। एंड वॉट कुड हैपन द डिफ़िकल्टीज, और डिफ़िकल्टीज क्या हो सकती है, हार्ड सरफेस पे लिखवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। There were many other things that were made and used in the past. कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में बनाई गई हैं। Those who study these objects are called archaeologists. और ऐसी चीज़ों की जो लोग स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। They study the remains of building made up of stone and bricks. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग किसकी स्टडी करते हैं, ऐसे स्टोन, ऐसी बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं जो कि स्टोन और ब्रिक से बनी हुई होती है, पत्थर और ईंटों से बनी हुई होती है। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पेंटिंग और स्कल्पचर्स की भी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं और एक्सकवेट करते हैं, यानी अर्थ के अंदर से डिग आउट करके, खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं और बताते हैं कि कैसे पास में क्या हुआ था। फाइन टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंटल कॉइंस, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में मेड स्टोन्स, अदर ऑफ बोन्स, बेक क्ले, मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजअली सर्वाइव द लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि वहाँ जब हम अर्थ को खोते हैं तो उससे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। जैसे क्या है, बेक्ड क्ले है, मेटल से बने होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स, बोन से बने होते हैं, जैसे वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं और इजीली हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं। और जो लोग इन्हें स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट लोग बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स की बोन्स को भी देखते हैं, जैसे बर्ड्स और फिश की बोन्स को, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट देखते हैं, और
खोजते हैं कि कैसे लोग इसे पास्ट में खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। वो लोग सीड और जो ग्रेन्स बर्न हुए होते हैं उनके राख को भी देखते हैं और उनसे भी पता लगाते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? कह रहा कि क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्लॉथ्स भी मिले होंगे? हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हू स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड द आर्कियोलॉजी। कह रहे हैं हिस्टोरियंस वो होते हैं जो कि हिस्ट्री की स्टडी करते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से सोर्स सोर्स के तौर पर मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी को यूज करते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे पास्ट में क्या हुआ था। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। कह रहा कि पास्ट को पढ़ना इतना ईजी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके और उनके बारे में स्टडी करते हैं जिसकी वजह से वो जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें हम लोग डिटेक्टिव कह सकते हैं यानी जासूस कह सकते हैं कि जासूसी करके वो लोग ईजली पास्ट के बारे में पता लगाते हैं और हमको बताते हैं कि कैसे पास्ट में क्या होता था। वन पास्ट और मैनी पास्ट, कह रहा है एक पास्ट या अनेक पास्ट। अब पास्ट एक होगा या अनेक होगा, हर इंसान का अपना अपना पास्ट होता है। सो पास्ट कई होते हैं, कई हो सकते हैं, जैसे कि राजा का अपना पास्ट होगा, जो ऐसे नॉर्मल लोग होंगे, मर्चेंट्स होंगे, प्रीस्ट होंगे, उनका अपना पास्ट होगा। सो वन पास्ट और मैनी पास्ट। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? कह रहा कि क्या आपने इस बुक के टाइटल को पढ़ा है? जैसे ही हम बुक ओपन कर रहे हैं वैसे ही लिखा हुआ है आवर पास्ट। तो कह रहा है कि क्या आपने इस बुक के बुक के टाइटल को पढ़ा है जिस पर लिखा हुआ है आवर पास्ट? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फेक फैक्ट दैट द पास्ट वर्ड डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। कह रहा है इस बुक का ये टाइटल इसलिए दिया गया ताकि लोगों को पता चले कि हर इंसान का अपना अपना पास्ट होता है। तो पास्ट सिर्फ एक नहीं हो सकता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग पास्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन। कह रहा कि हर्डर और फार्मर की लाइफ का पास्ट अलग होगा किंग और क्वीन की पास्ट से। ऑल्सो एज इज टू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट। कह रहा है कि आज भी क्या होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करते हैं, तो सबका अपना अपना पास्ट आज भी अलग अलग होता है, वैसे उस टाइम भी सबका अपना अपना पास्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल आज बहुत सारे लोग अंडमान आइसलैंड में रहते हैं जो लोग खुद अपनी फूड को कलेक्ट करते हैं, जैसे फिशिंग के तौर पर, हंटिंग के तौर पर और अदर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन द अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिटीज़ में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंस सच एज द एक्सिस्टेंट इन द पास्ट एज वेल। यही डिफरेंस पास्ट में भी था कि सबके अपने अपने पास्ट थे, सब लोग अलग अलग वर्क करते थे, सब लोग अलग अलग लाइफ स्टाइल में रहते थे, तो सबके अपने अपने पास्ट। Besides, there is another kind of difference. एक अलग तरह का difference भी था। We know a great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victory. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, fog gatherers, farmers or herders did not keep any records of what they did. वो क्या था? जो another difference था वो क्या था? जो राजा और रानी हुआ करते थे वो लोग अपने विक्ट्रीज को या अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते थे, बट जो जर्नल यानी आम इंसान हुआ करते थे वो लोग अपनी चीज़ों को यानी डे टू डे लाइफ के वर्क को रिकॉर्ड नहीं करते थे। इसकी वजह से हमें उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। इसकी वजह से वो लोग उन लोगों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। वॉट डू डेट मीन? डेट का मतलब क्या होता है? इफ़ सम बॉडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे डेट पूछे, यू विल प्रोबेबली मेंशन इन द डे मंथ एंड ईयर। तो आप क्या करेंगे, पहले डे बताएंगे, फिर मंथ बताएंगे और फिर ईयर बताएंगे एंड समथिंग और कुछ ऐसा ही। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये डेट हमें कब से पता चली? जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इसके बाद से हमें डेट के बारे में पता चल चुका। उसके पहले की चीज़ों को हम लोग बिफोर क्राइस्ट यानी BC बोल देते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC।
जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की जो भी डेट्स थी उन्हें हम बिफोर क्राइस्ट या बैकवर्ड काउंटिंग के तौर पर रखते हैं। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बुक में जो डेट मेंशन की गई है वो 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट लेकर मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं से ख़त्म होता है। आगे एक्सरसाइजेज है जो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो हम भी करवाएंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।